हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आज डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए इस वक्त डिवाइन की तरफ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। सेजिटेरियस धनु राशि, क्या कहना चाहते हैं आप धनु राशि वालों को इस वक्त? What do you need to release? Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Time to give rather than take. New moon in Virgo. Next है हमारे पास यहाँ पर bottom of the deck, the end of a tough cycle approaches. Confidence is your key to success. Okay. Wow. The energy is gaining momentum, my dear. सैजिटेरियस, यहाँ पर एक मैसेज जो मुझे यहाँ पर क्लियर डिवाइन की तरफ से आपके लिए मिल रहा है। सबसे पहली बात तो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में अभी स्टक हो, ठीक है, उस वो सिचुएशन बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। जिस भी सिचुएशन में, जिस भी बैड सिचुएशन में, बैड साइकिल में आप लोग स्टक हैं, उस सिचुएशन में से आप बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। वो सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसे प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए और देखिए कि आपको ना एक पॉजिटिव वे से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की ज़रूरत है। आप लोग ना अभी ये जो भी सिचुएशन आपके अराउंड चल रही है ना, आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। मे बी चीज़ों में वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या ये जो भी सिचुएशन में आप लोग अभी स्टक है ना, आप बहुत लंबे समय से या तो सिचुएशन में स्टक हैं, बहुत लंबे वक्त से ये एक साइकिल चलता हुआ आ रहा है। अब कहीं ना कहीं आप लोग ना हार मान रहे हैं, या फिर मैं कहूँ आपसे अब एक वो होता है ना कि पेशेंस नहीं है आ रहा है कि बहुत वक्त से हमने वेट कर लिया, अब और कितना वेट, अब और नहीं हम चल सकते, अब इतना इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं माय डियर, कि अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दो, इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि आप जो हैं एक, मैं कहूँगी जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं, जो भी आपकी विशेज़ रही हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में प्लान्स बनाए थे, आप उनके बिल्कुल पास में ही हैं, ठीक है। वो चीज़ें बस आपको मिलने ही वाली हैं। तो इस वक्त पर आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। इस नेगेटिविटी को, ये जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, ये जो भी चीज़ें आप पर अपना दबाव बना रही हैं ना, या जो चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं, आपको खुलने नहीं दे रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उन सभी चीजों को रिलीज कीजिए। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सबसे पहला मैसेज तो यहां पर ये आ रहा है कि यहां पर ना एक मैसेज मुझे आपके लिए यहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिल रहा है कि आप लोगों को ना अपने सराउंडिंग को थोड़ा खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपका मन भी बहुत खूबसूरत हो पाए, या फिर आप बहुत अच्छा रिलैक्स कर पाएँ, आपको बहुत अच्छा फील हो पाए, क्योंकि यहाँ पर ना नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत हावी होगी। डेफिनेटली ये जो भी पाथवे पर अभी आप चल रहे हो, ये जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक हो, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिल रहा है, लेकिन आपको अपनी होप नहीं खोनी है। उसके लिए आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए जो चीज़ें आप अपनी तरफ से कर सकते हो, जो भी एफर्ट्स आप अपनी तरफ से डाल सकते हो वो कीजिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती
अपने सराउंडिंग को खूबसूरत बनाना, और इसके साथ ही साथ योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. आपको बोला जा रहा है अपना पूरा फोकस कहाँ क्रिएट कर दीजिए, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप चीज़ों को अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए, उनकी तरफ एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, उस तरफ अपना फोकस क्रिएट कर दीजिए, ताकि ये जो नेगेटिविटी है ना, तो इस तरफ आपका ध्यान होगा ना ये आपको इफेक्ट कर पाएंगी. और अपने कॉन्फिडेंस को, आपको बोला जा रहा है जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी ही जल्दी आपको वो सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. तो आपको बोला जा रहा है बस अपना फोकस बनाए रखो, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने वाले हो, आप अपने जो भी प्लान्स आपने बनाए थे, जो भी आपकी विशेज़ रही हैं, उन सभी चीज़ों को आप अचीव करने वाले हो. तो ये वक्त नहीं है डीमोटिवेटेड होने का, ये वक्त नहीं है कि एक नेगेटिविटी में दबने का. ठीक है, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बढ़ाना है, और अपने फोकस को अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स, अपने विशेज़ की तरफ मोड़ देना है. अब बेसिकली अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना है. ठीक है, और यहां पर जो आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, ये जो मैसेज है ना, टाइम टू गिव रेदर देन टेक माय डियर, ये क्या बता रहा है कि अपने आप को ना रेडी कर लो. ठीक है, अपनी आपको रेडी कर लो एक नए फेज के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए. ठीक है, आप उस फेज में अपने आप को कैसा चाहते हो, उस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है. अपनी जितनी भी इरिटेशंस है, नेगेटिविटी है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, उन सभी को रिलीज़ करना है, और अपने अंदर जो एक लव की एनर्जी है उसमें आने के लिए, उसमें टैप इन करने के लिए आपको बोला जा रहा है. और आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी तरफ से जितने अच्छे कार्य को, आप कामों को कर सकते हैं, उतना कीजिए, अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, अच्छे कर्मास की तरफ अपने आप को मोड़ दीजिए. ये वक्त है, क्योंकि ये वक्त ना आप अपने मैं कहूँगी कि जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी अबंडेंस, जो भी विशेज आपने मांगी हैं, जो भी प्लान्स आपने अपनी लाइफ के लिए बनाए हैं, उसके तरफ आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, उसके बिल्कुल क्लोज हो, आप बहुत ही पास में हो. तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी आप अच्छे कर्मास को अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे इस समय, ये बेसिकली उन चीज़ों को पुश देगा आपकी लाइफ में, और आपको और जल्दी आगे बढ़ने में, मतलब आपको और जिसे कहते हैं ना कि 3 गुना और उसकी स्पीड को वो बढ़ा देगा, आपके जो गुड कर्मास हैं. तो आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर दीजिए, पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, हैप्पी रहना शुरू कर दीजिए, जो आपके दिल को अच्छा लगे वो कामों को कीजिए. मतलब किसी की भी मदद करना, किसी भी तरीके से मदद करना, चाहे आप किसी को कोई अच्छी राय दे रहे हैं, किसी को हैप्पी कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से, मतलब अपना आप 100% दे पा रहे हैं, किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से भी चाहे, तो वो एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से डालने शुरू कर देने हैं. और जो भी आपके प्लान्स हैं उनकी तरफ एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो कीजिए. और आपको बोला जा रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो माय डियर ये देखिए इस वक्त आपको क्या रिलीज़ करना है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, कौन से बंधन हैं, कौन से क्या नेगेटिविटी, क्या थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अब वक्त है आगे बढ़ने का. अब वक्त है आपकी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी आने वाली है, वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग्स के यहाँ पर कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं. तो डेफिनेटली वो एफर्ट आपको यहाँ पर डालना है अपनी तरफ से, आपको राइट एक्शंस लेने हैं, अपनी एनर्जीज को यहाँ पर ट्रांसम्यूट करने के लिए आपको डिवाइन बोल रही है. ये कार्ड भी मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी. वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर. आपको बोला जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स माय डियर. तो यही है ना कि मैजिक किसके साथ होता है, जो उस पर बिलीव करते हैं. अगर आपको लगता है, जब अगर आपको चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पर नेगेटिविटी बहुत हावी है, आप नेगेटिविटी में दबते जा रहे हो. ठीक है, आप अपने ऊपर, अपने ड्रीम्स पर, अपने प्लान्स पर, अपने ही एबिलिटीज़ पर डाउट कर रहे हो.
जो चीज़ें आपने सोची हैं आपको खुद को ही नहीं लग रहा है कि वो पॉसिबल हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है फेथ रखो डिवाइन पर, अपने आप पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने प्लान्स पर वो विश्वास रखो, तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो कहने का मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव रवैया आपको अपनाने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। देख लेते हैं तारों से आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर एक और मैसेज है आपके लिए माय डियर, कि इस वक्त इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक हैं ना सैजिटेरियस, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए, ये आपकी एनर्जीज को बहुत काम करेगा, ठीक है। आपको मैं कहूँगी अबंडेंस के एनर्जीज में आने में, टैप इन करने में बहुत मदद करेगा। वाह, थैंक यू भोले मामा। और क्या कहना चाहते हैं थारो, क्या कहना चाहता है? ओके, वाह, देख रहे हैं किस तरीके से अपने आप ये कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा है, आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आ रही है। आप ना यहाँ पर बहुत ही एक ब्यूटीफुल साइकिल में आप एंटर कर रहे हो माय डियर, आप टैप इन कर रहे हो यहाँ पर। और कुछ ना कुछ है यहाँ पर, कुछ ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी दिखाई दे रही है, प्रेगनेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली ये कोई ऐसा पीरियड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों का। मैं जैसे कि बोल रही हूँ, ये जो भी साइकिल आपका चल रहा है ना, ये कोई अभी रिसेंटली का नहीं है, इस साइकिल में आप बहुत लंबे समय से स्टक हो। तो आपको बोला जा रहा है, बस जैसे कि यहाँ पर एक फर्टिलिटी का साइन यहाँ पर हमारे पास आया है, कि एक जो लेडी होती है आफ्टर 9 मंथ्स बेबी बोर्न होता है, वो गिफ्ट उस मदर को मिलता है डिवाइन की तरफ से। तो आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो भी इतना टाइम आपने, इतना टाइम पीरियड आपने इतनी डिफ़िकल्टी में निकाला है, मैं कहूँगी एक तपस्या रही है आपकी, वो आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली, डिवाइन आपको डेफिनेटली उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। तो आपको बस उन पर विश्वास करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड में बने रहना है आपको। और यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है कि अपने क्रिएटिविटी से कनेक्ट हुई है, ठीक है, अपनी फेमिनिन ऊर्जा से कनेक्ट हुई है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपकी दिल की आवाज़ आपको बता रही है आपको क्या करना है। कुछ लोगों के लिए उनकी जो क्रिएटिव साइड है वो उनको बहुत आगे ग्रोथ देने वाली है। अगर आपके कुछ ऐसे प्लान्स रहे हैं, आप कुछ ऐसा नया कुछ करना चाहते थे अपने गिफ्ट्स के साथ, जो आपके नेचुरल गिफ्ट्स हैं उनके साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो माय डियर यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी येस है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं बहुत अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाले हो माय डियर। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही हैं। बेसिकली ये ऊर्जा ऐसी है कि ये सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं है, ये इनर ब्यूटी भी है आपके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब, इंसान जब अंदर से खूबसूरत होता है तो उसकी खूबसूरती बाहर भी झलकती है, लेकिन ये लिटरली अंदर की खूबसूरती भी है और बाहर से भी आप बहुत खूबसूरत लगने वाले हों। और लोग आपको बहुत, मैं कहूँगी आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका ग्लो बहुत हो रहा है, मतलब ग्लो बहुत बढ़ रहा है फेस पे। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज। वाओ, फोर ऑफ वांड्स। तो यस, मैंने स्टेबिलिटी की बात करी यहाँ पर, तो डिवाइन यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं, बहुत इंजॉय करते हुए आप यहाँ पर दिख रहे हो। तो आपको यही बताया जा रहा है, ये सारे ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ये आपको क्या बता रहे हैं, कि इस समय आप ना ये जो भी कन्फ्यूज़ हो, इस समय चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या फिर दिल और दिमाग में बहुत हलचल मची हुई है कि चीज़ें मेरे साथ क्या चल रही हैं, ये कब चीज़ें खत्म होंगी मेरे लाइफ में, ये साइकिल कब क्लोज होगा। तो माय डियर आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, सबसे पहले तो अपने अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उन्हें रिलीज कीजिए, तभी जाकर के आप जो है वो राइट एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, तभी आप उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, क्योंकि ये आपकी ही खुद की एनर्जीज है जो जिसमें आप आ गए हो, ये उस प्रोसेस को थोड़ा और स्लो कर रही है मैं कहूँगी। तो इसको और स्पीड अप करने के लिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए, अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस कीजिए, अपने प्लान्स की तरफ एक्शन लेना शुरू कीजिए।
चैरिटी, आपके लिए ये वर्ड बहुत बेस्ट है, चैरिटी, डोनेशंस या किसी नीडी की किसी भी तरीके से मदद करना, क्योंकि हम चैरिटी, डोनेशन इन सब चीज़ों को मनी से बांध देते हैं, मनी, पैसा, इन सब चीज़ों से रिलेट कर देते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी तरीके से आप किसी की मदद कर सकते हो। आई एम सॉरी गाइस, कोई इंसान किसी टफ सिचुएशन में स्टक है, उसको अच्छी सी एडवाइस दे करके, उसकी किसी तरीके से मदद करके आप उसको उसकी हेल्प कर सकते हो, राइट? तो किसी भी तरीके से अच्छे कर्म को करना, अच्छे डीड्स को अपनी लाइफ में लेकर के आना, ताकि इन सब चीज़ों को इसे एक कंप्लीशन होने में एक वो पुश मिल सके, ठीक है? तो यहाँ पे आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, बहुत स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, आप आगे ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एनी अदर गाइडेंस मैसेज फॉर सेजिटेरियस, आपको डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस को? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और क्या कहना चाहते हैं? डिसिपेटिंग, यस। तो एक मिनट, और कार्ड, एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। विक्टिम, राइट? और यहाँ पर है आइसोलेशन। देखिए यहाँ पे क्रिएशन की भी एनर्जी है, कंफ्यूजन भी है, और यहाँ पर जॉय भी है। ये सभी आपकी ही, आपके लिए ही यहाँ पर मैसेजेस आए हैं। देखिए माय डियर, यहाँ पर ना डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ना ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंक करना ये छोड़ दो आप, ठीक है? प्रेजेंट में रहना सीख लो, ठीक है? प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रह करके आपको अपने फ्यूचर को क्रिएट करना है। जितना आप बहुत ज़्यादा सोचोगे चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में, लोगों के बारे में, उतना ही आप अपने आप को एक कंफ्यूजिंग एनर्जीज में लेकर के जाओगे, नेगेटिव एनर्जीज में आप लेकर के जाओगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉजिटिविटी की तरफ आपको आगे ग्रो करना है। जितना आप पास्ट के बारे में सोचोगे, उतना अपने आप को एक विक्टिम फील करोगे, ठीक है? उतना ही आप नेगेटिव से नेगेटिव सोच में टैप इन करते जाओगे, उतनी ही नेगेटिविटी आपके ऊपर भारी होती जाएगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस तरफ आपको फोकस करना है जहाँ आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े। बेसिकली अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? जो चीज़ें आपकी, आपको आपकी स्पिरिट को खुश रखें, आपकी सोल को खुश कर दें, आपको खुश कर दें दिल से, जिसे कहते हैं ना, एक होता है ना कि ऊपर से खुश होना, एक होता है अंदर से खुशी होना, खुश होना। तो इस तरह का आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपको डीपली बहुत हैप्पी कर दें, आपको बहुत अंदर से वो खुशी हो, वो काम आपको करना है, चाहे वो कोई भी चीज़ है उसके लिए। क्योंकि जब आप इतने खुश होते हैं ना, तो आप ऐसी हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, तब आपके पास बड़े नए नए आइडियाज़ होते हैं, तब आप कोई एक नया, मैं कहूँगी, रिस्क लेने के लिए भी रेडी होते हैं कि मुझे आज ये ट्राई करना चाहिए। हम जब बहुत हैप्पी होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं ना कि चलो आज ये ट्राई करते हैं, आज ये करते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव एनर्जीज में होते हैं, तब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। और कहते हैं ना कि बहुत ही दिल से लिया गया वो एक रिस्क या वो एक ट्राई जो होता है ना, वो आपको बहुत, मैं कहूँगी, आपकी तरफ अबंडेंस ही लेकर के आता है, पॉजिटिविटी ही लेकर के आता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लेकर के आता है। तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है ओवर एनालाइजिंग नहीं करनी है, ठीक है? अब बस अपने मन को पहले शांत करो। अगर दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, ठीक है? अपने मन को शांत कर लो। ज़्यादा ऐसे लोगों से डिटैच हो जाओ जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, जो लोग आपको डीमोटिवेटेड करते हैं, जो लोग आपको आपके, मैं कहूँगी, पैशन से दूर लेकर जा रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी से दूर लेकर के जा रहे हैं, जो आपको आगे, मैं कहूँगी, एनकरेज नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको पुश नहीं करते हैं, डिस्करेज करते हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ को ना फुली तरीके से इंजॉय करो। जब आपकी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी आएगी, जब आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे, तब आप कैसा फील करोगे? ऐसी एनर्जीज में आपको इस समय टैप इन होने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस साइकिल को क्लोज करके उस साइकिल में, उस नई ब्यूटीफुल साइकिल में टैप इन कर पाए। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक राइट एनर्जीज में आ पाएंगे, जब तभी आप उस राइट एनर्जीज को, राइट वाइब्रेशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट?
तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।